नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में देश दुनिया की बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर, जहां रक्षा के क्षेत्र में भारत का आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ा एक और कदम, वहीं उपराष्ट्रपति ने भारत को दुनिया में अग्रणी राष्ट्र बनने की दहलीज पर खड़ा बताया। जानेंगे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कौन से अहम फैसले लिए गए और बात करेंगे बैडमिंटन में कीर्तिमान स्थापित करते भारतीय खिलाड़ी की भी। तो चलिए करते हैं शुरुआत हेडलाइंस के साथ। ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा भारत। केंद्रीय कैबिनेट ने जैव ईंधन नीति में संशोधन को दी मंजूरी। सीपीएससी को विनिवेश के लिए भी मिली ज्यादा शक्तियां। सुप्रीम कोर्ट से मध्य प्रदेश सरकार को बड़ी राहत। राज्य में पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण दिए जाने का आदेश। फैसले का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने किया स्वागत। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम कदम। पहली बार स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण। सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर से दागी गई नई देसी मिसाइल। भारत जमैका के बीच व्यापार, कृषि समेत कई और क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाएं। जमैका की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति का संबोधन। तकनीकी कौशल विशेषज्ञता साझा करने को तैयार भारत। और असम में बाढ़ पीड़ित इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी। राज्य के 26 जिलों के 4 लाख से अधिक लोग प्रभावित। केरल में मूसलाधार बारिश, 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। और हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। कांग्रेस के गुजरात इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे गए त्याग पत्र को ट्विटर पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है कि उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी को उनकी बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में जमानत दे दी है। वो मामले में मुख्य आरोपी है। पीठ ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई जल्द पूरी होने की संभावना नहीं है। इंद्राणी मुखर्जी अगस्त 2015 में गिरफ्तारी के बाद से मुंबई के भायखला महिला कारागार में बंद है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के करीबी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने भास्कर रमन को गिरफ्तार किया है, जो कार्ति चिदंबरम के करीबी हैं। वीजा भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी हुई है। इसी मामले में सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम के घर और दफ्तर में भी छापेमारी की थी। यूजीसी ने अंतिम एमफिल और पीएचडी के लिए शोध पत्र जमा करने की तिथि को 30 जून 2022 से आगे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा शोध पत्र जमा करने की अवधि, छात्रों के कार्यों की समीक्षा और प्रत्येक मामले में विभागाध्यक्ष और पर्यवेक्षकों की सिफारिश पर तय की जाएगी। रबी मौसम 2022-23 में अब तक 5 राज्यों से 180 लाख टन गेहूं की खरीद की गई है। ये राज्य हैं मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और हिमाचल प्रदेश। 36,100 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं से 16,99,000 किसानों को लाभ मिला है। देश में एक दिन में कोविड-19 के 1,829 नए मामले सामने आए हैं। उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 15,647 रह गई है। पिछले 24 घंटों में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 753 की कमी दर्ज की गई है। वहीं मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.75% है। उत्तर कोरिया में बुखार के 2,32,880 नए मामले सामने आए हैं और इससे पीड़ित 6 और लोगों की मौत हो गई है। बुखार से अब तक 62 लोगों की मौत हुई है। 26 करोड़ आबादी वाले इस देश में अधिकतर लोगों को कोविड-19 रोधी टीके नहीं लगे हैं। फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने के लिए आधिकारिक तौर पर आवेदन दिया है। नाटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने इसकी पुष्टि की है। बुधवार दोनों देशों ने यूक्रेन पर रूस के हमले से बढ़ी चिंताओं के बीच सबसे बड़े सैन्य गठबंधन में शामिल होने के लिए ये कदम उठाया है। वैश्विक स्तर पर हर साल होने वाली 90 लाख मौतों के मामले के लिए सभी प्रकार का प्रदूषण जिम्मेदार है। वायु प्रदूषण की वजह से मरने वालों की संख्या 2000 के बाद से 55% बढ़ गई है। द लैंसेंट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित एक नए अध्ययन में ये तमाम बातें सामने आई हैं।
वहीं शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत ने फ्रांस के ब्राइस लेवरडेज पर 3 गेम में जीत दर्ज कर थाईलैंड ओपन के पुरुष एकल वर्ग के दूसरे दौर में जगह बना ली है। श्रीकांत ने पहले दौर के मैच में 49 मिनट में 18-21, 21-10 और 21-16 से जीत हासिल की। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 2 अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव ईंधन 2018 पर राष्ट्रीय नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत इथेनॉल का उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए कई और फैसलों का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी गई है। पेट्रोल डीजल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग 20% करने का लक्ष्य अब 2030 की बजाय 2025-26 किया गया है। वर्तमान में पेट्रोल में करीब 10% एथेनॉल मिलाया जाता है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निर्देशक मंडलों को इकाइयों और उनकी आनुषंगिक इकाइयों को बंद करने, उनका विनिवेश करने संबंधी फैसले लेने का अधिकार दिया है। किसी कंपनी या उसकी सब्सिडरी कंपनी को बंद करने का फैसला अब उस कंपनी के निदेशक मंडल ले सकेंगे। वहीं एक अच्छी खबर, नौसेना ने सीकिंग हेलीकॉप्टर से स्वदेश विकसित पहली नौसैनिक पोत रोधी मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया है। नौसेना के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। परीक्षण ओडिशा के बालासोर में एकीकृत परीक्षण रेंज में किया गया है। नौसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक ये परीक्षण विशिष्ट मिसाइल प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये भारतीय नौसेना का स्वदेशीकरण करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। भारतीय नौसेना ने DRDO के सहयोग से ये परीक्षण किया है। नौसेना और अंडमान और निकोबार कमान द्वारा संयुक्त रूप से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जहाज रोधी संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किए जाने के 1 महीने के बाद नई मिसाइल का परीक्षण किया गया है। नौसेना विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के समुद्री सुरक्षा हितों की प्रभावी रूप से रक्षा करने के लिए अपनी समग्र युद्ध क्षमता में लगातार वृद्धि कर रही है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश सुमन। अखिलेश, स्वदेश विकसित पहली नौसैनिक पोत रोधी मिसाइल आत्मनिर्भर भारत का एक और सफल कदम, कितनी मजबूती देती है अखिलेश ये हमारी सैन्य शक्ति को? देखिए दीक्षा, बहुत ही मजबूती देगी, क्योंकि अभी तक जो हम एंटी नेवल जो भी मिसाइल था हमारे पास, या तो ब्रिटेन का था या रूस का, या हमने इधर के दिनों में कुछ इजराइल से भी मंगाने शुरू किए थे, तो एक तरीके से आप निर्भर थे। हालांकि आपूर्ति में कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक तरीके से आप निर्भर थे। और कई बार ऐसी स्थितियाँ होती हैं कि आपको इस मामले में ऐसे खास करके युद्ध जो उपकरण है उस मामले में आपको अपना पूरी तरह से अपना होने की ज़रूरत होती है। और इस दिशा में कह सकते हैं कि ब्रह्मोस जो रसिया के सहयोग से ब्रह्मोस बनाया, उसके बाद यह पूरी तरह से अपनी तकनीकी है। और 2018 में जब निर्मला सीतारमण डिफेंस मिनिस्टर थी, उस समय इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था, और आप कह सकते हैं कि 4 सालों में ये प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया और आज टेस्ट भी हो गया। तो कह सकते हैं कि इसके बाद यह थोड़ा, हालांकि ब्रह्मोस से थोड़ा सा लघु संस्करण है, लेकिन इसकी जो मारक दूरी है तकरीबन 55 किलोमीटर तक यह मार पाएगी। सतह से, जो समुद्र के सतह से तकरीबन 5 मीटर की दूरी तक यह रहेगी ऊपर तक, ताकि कोई रडार, जो दुश्मन देश का कोई अगर है इस तरह का शिप, तो उसका रडार पकड़ नहीं पाए। और उसके अलावा इसकी जो ये वारहेड है, इस वारहेड के क्या वजन 100 किलोग्राम होगा, तो एक छोटा है, लेकिन अगर शिप में लगेगा, बीच में शिप में लगेगा, तो पूरे शिप को जलाने के लिए, अगर छोटा शिप है तो पूरे शिप को नष्ट करने के लिए ये काफी होगा। और इधर जैसा कि आपने सुना होगा, रूस यूक्रेन वार के बीच में एक रूस का मस्कवा शिप था जो ब्लैक सी में, वो पूरी तरह नष्ट कर दिया था यूक्रेन के मिसाइल ने। तो इसी तरह के मिसाइल कह सकते हैं कि इसी तरह के मिसाइल की हमें भी जरूरत है, जो हमेशा बहुत बड़ा नहीं हो, छोटा हो, ताकि हम ज्यादा जल्दबाजी के साथ, ज्यादा तेजी के साथ दुश्मन का जो शिप है उसको टारगेट कर सके, उसको मार सके। बिल्कुल, दुश्मनों पर मजबूती के साथ जीत हमें बनानी है, लेकिन सबसे बड़ी और अच्छी खबर यह है कि आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारा अगला कदम बढ़ा है। बहरहाल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कैसीनो, रेस कोर्स और ऑनलाइन गेमिंग पर GST की समीक्षा के लिए गठित मंत्रियों की समिति ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है। इसे GST परिषद की
आगामी बैठक में रखा जाएगा। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अगुवाई में मंत्रियों के समूहों ने इस महीने की शुरुआत में अपनी पिछली बैठक में सर्वसम्मति से इन सेवाओं पर की दर को बढ़ाकर 28% करने का निर्णय लिया था। ये रिपोर्ट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को एक या दो दिन में सौंप दी जाएगी। इसे जीएसटी परिषद की अगली बैठक में भी रखा जाएगा। अभी कैसीनो, रेस कोर्स और ऑनलाइन गेमिंग पर 18% जीएसटी लगती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में स्थानीय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के पुनर्विचार आवेदन पर सुनवाई करते हुए राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की तरफ से दायर रिपोर्ट में मान्य किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फैसले के मुताबिक आरक्षण किसी भी सूरत में 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। अब नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में ओबीसी के लिए जनसंख्या के हिसाब से अधिकतम 35% सीट 50% के आरक्षण की सीमा में रहते हुए आरक्षित की जा सकेगी। आरक्षण की प्रक्रिया को एक सप्ताह के भीतर करने के आदेश राज्य सरकार को दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अदालत के इस फैसले का स्वागत किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं प्रणाम करता हूं। हमने यही कहा था कि हम चुनाव चाहते हैं लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ। कांग्रेस ने एक पाप किया था, चुनाव तो पहले ही हो रहे थे ओबीसी आरक्षण के साथ, लेकिन कांग्रेस के लोग ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड मामले में दोषी एजी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया है, जो उम्र कैद की सजा के तहत 30 साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया है। पीठ ने कहा है कि राज्य मंत्रिमंडल ने प्रासंगिक विचार विमर्श के आधार पर अपना फैसला किया था। अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए दोषी को रिहा किया जाना उचित होगा। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे एजी पेरारिवलन को न्यायालय ने ये देखते हुए 9 मार्च को जमानत दे दी कि सजा काटने और पेरोल के दौरान उसके आचरण को लेकर किसी तरह की कोई भी शिकायत नहीं मिली। Under as a prisoner, he was very satisfactory for the court, so it's a main reason for his release. There is no need of any remand back of the petition, so they have taken a call of releasing him. So will this order be helpful for it will be benefited by all the six. प्रौद्योगिकी के विकास के साथ ही नई पीढ़ी की जिम्मेदारी बनती है कि वो भारत की अब तक की गई प्रगति को न सिर्फ बनाए रखे बल्कि उसे नई ऊंचाई तक भी लेकर जाए। तमिलनाडु के नीलगिरी में लॉरेंस स्कूल के छात्रों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में अग्रणी राष्ट्र बनने की दहलीज पर खड़ा है और ये कहने की जरूरत नहीं है कि छात्रों और देश का भविष्य दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। Peaceful, prosperous, happy nation. That is our aim. So my idea of interacting with the youth is to tell them the need for such a journey. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नेत्र स्वास्थ्य के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। तमिलनाडु राजभवन में अनंत बजाज रेटिना इंस्टीट्यूट के उद्घाटन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने ग्रामीण स्तर नेत्र देखभाल को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने निजी अस्पतालों को ग्रामीण क्षेत्रों में उपग्रह केंद्र खोलकर सरकारी प्रयासों में मदद करने की भी सलाह दी। उपराष्ट्रपति ने विभिन्न क्षेत्रों की मशहूर हस्तियों को शामिल करते हुए स्थानीय भाषाओं में लोगों में अलग अलग माध्यम से जागरूकता फैलाने की बात कही। Community awareness is critical in a rural setting and therefore awareness programs must be organized at community levels by healthcare institutions and NGOs periodically. Friends, modern lifestyles and work requirements have increased the average screen time for many people.
But spending too long looking at screens can create strain on our eyes and cause other eye diseases. We must educate our children about the excessive use of the screen. और आज की खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए सनसे टीवी के साथ. The regional connectivity scheme. This is the much touted Uran Airports, Uran routes. Only 601 crores, a decrease of over 40% over revised estimate of 994 crores. मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि ये केवल बजट एस्टिमेट है. मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी खर्च करने की क्षमता के आधार पर वित्त मंत्रालय ने हमें आश्वासन दिया है कि कोई भी फंड्स की कमी नहीं रखी जाएगी. जितना भी खर्च होगा वो उड़ान योजना के लिए दिया जाएगा. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज की खबर में. बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा में एमबीएस अस्पताल का दौरा किया. उन्होंने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिया कि अव्यवस्थाओं में सुधार कर ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर भी बढ़ाए जाएं ताकि रोगी और उनके परिजनों को असुविधा ना हो. दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने निजी कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया है. अनिल बैजल को दिसंबर 2016 में राष्ट्रीय राजधानी का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था. उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट के 9 न्यायाधीशों ने पद की शपथ ली है. इसके साथ ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 44 हो गई है. केंद्र सरकार ने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना 13 मई को जारी की थी. हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा समेत कई और विषयों पर चर्चा हुई. कर्नाटक विधान परिषद के सभापति और उनके सदस्य के पद से इस्तीफा देने के बाद वरिष्ठ नेता बसवराज होराती बीजेपी में शामिल हो गए हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आरटीओ कार्यालय का औचक निरीक्षण किया. कुछ कर्मचारी अपने तय समय पर कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि जो कर्मचारी समय पर दफ्तर नहीं पहुंचे उन पर कार्यवाही की जाएगी. पंजाब के किसानों ने चंडीगढ़ मोहाली सीमा पर विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया है. पंजाब सरकार ने उनकी कई मांगों को स्वीकार कर लिया है. किसान गेहूं की पैदावार कम होने पर 500 रुपये प्रति क्विंटल बोनस और 10 जून से पूरे पंजाब में धान की बुआई शुरू करने समेत दूसरी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे. गुजरात के मोरबी के हलवाड़ जीआईडीसी में एक नमक कारखाने की दीवार गिरने से कम 12 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोगों के जख्मी होने की खबर है. हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, राज्य के कैबिनेट मंत्री आर अशोक और दूसरे अधिकारियों ने दक्षिण बेंगलुरु के होसाकेरे हल्ली के पास बारिश प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने हालात का जायजा लिया, साथ ही मृतकों के परिवार को मुआवजा देने की घोषणा की. भारत जमाइका के साथ साझेदारी करने और अपने तकनीकी कौशल, ज्ञान और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए तैयार है जिससे कैरेबियाई देश में शिक्षा और व्यापार के क्षेत्र में बदलाव लाया जा सके. जमाइका के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ये बातें कही. राष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि दोनों राष्ट्रों के बीच परस्पर सहयोग लाभकारी साबित होगा. उन्होंने कहा कि भारत जमाइका के विजन 2030 के तहत अपने लोगों को सशक्त बनाने
और एक समृद्ध और टिकाऊ अर्थव्यवस्था के रूप में सुरक्षित, एकजुट और न्यायपूर्ण समाज सुनिश्चित करने के उसके लक्ष्यों के साथ है। राष्ट्रपति ने कहा कि पर्याप्त प्राकृतिक संसाधनों, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र, युवा आबादी और गतिशील नेतृत्व के साथ जमैका और भी अधिक आर्थिक सफलता हासिल करने को तैयार है। इंडिया एंड जमैका आर नेचुरल पार्टनर्स इन मेनी वेज एज स्ट्रांग एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज एज कंट्रीज विच सीक एथिकल मार्केट प्रैक्टिसेस एंड एज कंट्रीज विद रिस्पेक्ट फॉर एन इंक्लूसिव इक्विटेबल स्टेबल सिक्योर एंड रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर इट इज लॉजिकल फॉर अस टू वर्क टूगेदर दिस इज ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन द ग्लोबल ऑर्डर इज इन अ फ्लक्स एंड टेंशंस आर ऑन द राइज इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। असम में बारिश के बाद आई बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस बीच सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और स्थानीय प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम तेज कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य के 26 जिलों में बाढ़ और भूस्खलन के कारण 400,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अब तक 8 लोगों की जान गई है। करीब 40,000 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। दीमा हसाओ, होजाई और बराक घाटी बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है। इसी बीच पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे दक्षिण असम में फिर से रेल सेवाएं बहाल करने के लिए जोर शोर से काम किया जा रहा है। दीमा हसाओ जिले में 50 से 60 जगहों पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। केरल में मौसम विभाग ने तेज बारिश का अनुमान देखते हुए 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक त्रिशूर, पलक्कड़, मलापुरम, कोचिकोड, वायनाड, कुन्नूर और कासरगोड जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। अलपुजा, कोटायम, इडुक्की और एनारकुलम जिलों के और लक्षद्वीप के लिए तेज बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। केरल और तटवर्ती क्षेत्रों और लक्षद्वीप में 40 से 50 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने का अनुमान है। मछुआरों को समुद्र के पास नहीं जाने की सलाह दी गई है। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। सबसे पहले बात श्रीलंका की। श्रीलंका को विश्व बैंक से 16 करोड़ डॉलर की सहायता मिली है। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने संसद में इस बात की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने कहा है कि विश्व बैंक से मदद मिली है। उन्होंने कहा कि एशियाई विकास बैंक से भी अनुदान मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि आर्थिक संकट के कारण देश में ईंधन और गैस की कमी होने और इसके खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए इस आर्थिक सहायता में से कुछ हिस्सा ईंधन खरीदने के लिए उपयोग करने की संभावना तलाशी जा रही है। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक से मिले धन का उपयोग ईंधन खरीदने के लिए नहीं किया जा सकता है। विक्रमसिंघे ने बीते सोमवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत से मिले कर्ज के तहत पेट्रोल की 2 और खेप इस सप्ताह और 29 मई तक आने वाली है। यूक्रेन ने मारियूपोल स्थित इस्पात संयंत्र को छोड़ दिया है, जिससे शहर पर रूस का कब्जा होने की आशंका है। शहर का ज्यादातर हिस्सा गोलाबारी के कारण बर्बाद हो चुका है। अगर मारियूपोल पर रूस का कब्जा हो जाता है तो ये मॉस्को की बड़ी जीत होगी। अजोवस्टल संयंत्र से 260 से अधिक यूक्रेनी लड़ाके पीछे हटे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश के सैन्य और खुफिया अधिकारी अब भी इस्पात संयंत्र से बचे हुए सैनिकों को निकालने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। भारतीय मुक्केबाज निकहत जरीन ने इस्तानबुल में ब्राजील की कैरोलिन डी एल्मेडा पर दबदबे भरी जीत से विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। पूर्व जूनियर विश्व चैंपियन जरीन मुकाबले के दौरान संयमित बनी रही और अपनी प्रतिद्वंदी पर पूरी तरह दबदबा बनाए रखा, जिससे वह 52 किलोग्राम वर्ग के मुकाबले में सर्वसम्मत फैसले में 5-0 से जीत दर्ज करने में सफल रही। परवीन हुड्डा को इस्तानबुल में चल रही महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आयरलैंड की एमी ब्रासहर्ट से 1-4 से हारकर कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांस फिल्म महोत्सव में भारतीय मंडप का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के पोस्टर का भी अनावरण किया है।
इस अवसर पर उन्होंने भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की शूटिंग होने पर 2 करोड़ रुपए तक की छूट देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि किसी भी विदेशी फिल्म के भारत में शूटिंग और ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन करने पर 30% तक की छूट मिल सकती है। incentive scheme for audio-visual co-production and shooting of foreign films in India with a cash incentive of up to 30% with a cap of $260,000 and in the case of foreign films being shot in India an additional bonus with a cap of $65,000 for employing 15% or more manpower in India. सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में भारत के अब तक के सबसे बड़े प्रतिनिधिमंडल ने कांस फिल्म महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। भारतीय लोक कला के लिए ऐतिहासिक क्षण उस समय आया जब पहली बार किसी लोक गायक राजस्थान के मामे खान को रेड कार्पेट पे भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई का सम्मान मिला। खबरों में बस इतना ही, चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं कांस फिल्म महोत्सव में इन तमाम तस्वीरों की झलकियों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार।